मेघालय जैसे बड़े शहर का कैपिटल और इसी शहर का गेटवे जिसे माना गया है, उस जगह का नाम है शिलोंग। शिलोंग जो अपने रेनफॉल, केव्स, बड़े बड़े वाटरफॉल्स, अपनी मार्केट और अपने खाने के लिए मशहूर है। और शिलोंग जो कि मेघालय की सबसे तेज इमर्जिंग इकोनॉमी में से एक है, उस शिलोंग का मेघालय का कैपिटल होना बिल्कुल बनता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि शिलोंग घूमने की सबसे बेहतरीन जगहें कौन कौन सी हैं और अगर आप शिलोंग आए तो आपको यहां पे क्या क्या करना चाहिए। तो हमारे इस वीडियो से अंत तक बने रहें और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर 8, एलिफेंटा फॉल्स। शिलोंग से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर पड़ता है एलिफेंटा फॉल्स। गाइस, ये है अगली जगह जिसका नाम है एलिफेंटा फॉल्स। ये शिलोंग से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पे आने की एंट्री टिकट है 100 रुपए की और ये जगह घूमने में आपको लग सकता है 1 से 1.5 घंटा। इस फॉल्स के बारे में सबसे स्पेशल बात यह है कि ये 3-स्टेप वाटरफॉल है। एक ही वाटरफॉल के 3 स्टेप है। जैसे आप देख सकते हैं, ये है इसका 3रा स्टेप, सेकेंड और फर्स्ट स्टेप इसके ऊपर है। जब आप आते हैं इस एलिफेंटा फॉल्स में तो आपको 3 स्टेप दिखते हैं। इसी एलिफेंटा फॉल के एकदम सामने पड़ता है आपको मत्तीलांग एम्यूजमेंट पार्क, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े झूले झूल सकते हैं और नेचर के मजे ले सकते हैं। फैमिली के लिए ये जगह मस्ट विजिट है। तो हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप शिलोंग घूमने आ रहे हैं तो ये जगह जरूर आए। एलिफेंटा फॉल्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह वाटरफॉल सिर्फ 1 स्टेप में नहीं बल्कि 3 स्टेप में मौजूद है। एलिफेंटा फॉल्स एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने पार्टनर के साथ बड़ी आराम से घूम सकते हैं। एलिफेंटा फॉल्स यहां की गवर्नमेंट ने इस तरीके से बना रखा है कि यहां पर किसी भी उम्र के टूरिस्ट का घूमना पॉसिबल है। एलिफेंटा फॉल्स की एंट्री टिकट होगी 20 रुपए और यहां की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। एलिफेंटा फॉल्स घूमने का सबसे बेस्ट समय होगा जुलाई से सितंबर तक का। नंबर 7, वार्ड्स लेक। शिलोंग के बीचों बीच पड़ता है वार्ड्स लेक। वार्ड्स लेक जो शिलोंग की पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है, माना जाता है कि तकरीबन 100 साल पुराना है और अंग्रेजों के समय का बनाया गया ये वार्ड्स लेक अपनी खूबसूरती खुद बयां करता है। अंग्रेजों के राज के समय चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम सर विलियम वार्ड ने बनाया था वार्ड्स लेक, जिसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी सन 1894 में। ऐसा माना जाता है कि इस लेक के चारों तरफ का एरिया खासी के कैदियों ने बनाया था। वार्ड्स लेक में आपको बोटिंग फैसिलिटी, बच्चों के लिए खेलने की फैसिलिटी, वुडन ब्रिजेस और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज भी मिलेंगी। वार्ड्स लेक बना हुआ है एक घोड़े की नाल की शेप में और यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं होती। नंबर 6, शिलोंग व्यू पॉइंट। शिलोंग से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है शिलोंग व्यू पॉइंट। शिलोंग व्यू पॉइंट शिलोंग का एक विंटेज पॉइंट है जो कि शिलोंग के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। शिलोंग व्यू पॉइंट सी लेवल से तकरीबन 1965 मीटर की ऊंचाई पे है और इस पॉइंट से आपको शिलोंग सिटी का पूरा 360 व्यू देखने को मिलेगा। शिलोंग व्यू पॉइंट से आपको कई सारे वाटरफॉल्स और हिमालयन रेंजेस भी देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि यहां से बांग्लादेश भी विजिबल है। शिलोंग व्यू पॉइंट में एक हाई टावर है जहां के टेलीस्कोप से आप बहुत सुंदर नजारे ले सकते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि शिलोंग का नाम ही शिलोंग व्यू पॉइंट की पहाड़ी की वजह से पड़ा है। शिलोंग व्यू पॉइंट में आने की फीस है तकरीबन 30 रुपए और यहाँ पे आपको पार्किंग के भी पैसे देने पड़ेंगे जो कि है 30 रुपए। शिलोंग व्यू पॉइंट आने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक और वेडनेसडे को ये जगह क्लोज होती है। नंबर 5, डॉन बॉस्को म्यूजियम। शिलोंग की बेस्ट प्लेसेस टू विजिट में डॉन बॉस्को का नाम तो जरूर आना चाहिए। सो गाइस, ये है नेक्स्ट जगह, इसका नाम है डॉन बॉस्को म्यूजियम। ये म्यूजियम शिलोंग की टॉप अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ पे फेमस है यहाँ की ये वाली स्काई वॉक। डॉन बॉस्को म्यूजियम की एंट्री है 100 रुपए की और ये घूमने में आपको लग सकता है तकरीबन 2 घंटे अगर आप अच्छी तरह घूमे तो। जल्दी जल्दी घूमने में आप इसको हाफ एन आवर में भी कवर कर सकते हैं। ये जगह फैमिली के लिए, यूथ के लिए, कपल्स के लिए, सबके लिए मस्ट विजिट है क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा मेघालय का कल्चर कैसे बना था, इनफैक्ट यहाँ पे रिलीजन का स्टार्ट कैसे हुआ था, ये सब कुछ आपको इस म्यूजियम में बता रखा है। डॉन बॉस्को म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक गर्मियों में और 9 बजे से सुबह शाम को 4:30 बजे तक सर्दियों में। तो अगर आप शिलोंग घूमने आ रहे हैं तो ये जगह भी जरूर घूमना। डॉन बॉस्को म्यूजियम जो कि स्वागत करता है विभिन्न प्रकार के कल्चर का, आर्ट का, हिस्ट्री का और ज्ञान का। डॉन बॉस्को म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा वाइड कलेक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, मेघालय की अलग अलग कल्चरल पोशाकें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पूरी हिस्ट्री और यहाँ तक कि यहाँ के ट्राइब्स के अलग अलग कल्चर। डॉन बॉस्को म्यूजियम के टेरिस पे एक स्काई ट्रेल बना है जिससे आप पूरे शिलोंग का एक 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। ये जगह डेफिनेटली शिलोंग के टॉप अट्रैक्शन में से एक होनी चाहिए। डॉन बॉस्को म्यूजियम आने की फीस है 100 रुपए और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। नंबर 4, शिलोंग फूड। शिलोंग में अगर कोई जगह घूमने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है शिलोंग का खाना। तो अगर आप मेघालय घूमने आए हैं तो यहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करें। मेघालय के लोकल फूड में आता है यहाँ का राइस, यहाँ का स्ट्यू वेजिटेबल, यहाँ की करीज,
बैम्बू शूट और यहाँ का मीट। और यहाँ की जडो राइस डिश सबसे ज्यादा फेमस है। मेघालय के टॉप प्लेसेस टू ईट की हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और हमारे कार्ड्स में मिल जाएगा, तो वो भी जरूर देखिएगा। मेघालय के ज्यादातर टॉप रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे मेघालय की कैपिटल सिटी के पास, जिसका नाम है शिलोंग। हालांकि मेघालय के तीनों हिल्स का एक डिफरेंट कजिन है, और अगर आप मेघालय गए हैं तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के कजिन को ट्राई जरूर करिएगा। हम जो कल रात को मद्रास कैफे गए थे, वो भी टॉप प्लेसेस में था, तो उसने मुझे मना कर दिया था कि हमारा कुछ स्पेशल है नहीं। तो मैंने सोचा भाई कि क्या जाए, फिर हमने पिज्जा हट में खा लिया था। लेकिन मुझे लग रहा है एक बार और जाके वहाँ पे साउथ इंडियन ट्राई करना चाहिए। नंबर 3, बड़ा बाजार। शॉपिंग एक बेस्ट तरीका है किसी भी स्टेट या सिटी का लोकल कल्चर और ऑथेंटिक फूड जानने का, तो यह शॉपिंग आप मेघालय में कर सकते हैं शिलोंग के बड़े बाजार में। शिलोंग का बड़ा बाजार की सबसे खास बात यह है कि इस मार्केट को सिर्फ लेडीज रन करती हैं। आप जैसे ही इस मार्केट में घुसेंगे, आपको एक भारी भीड़ देखने को मिलेगी। यह शिलोंग के सबसे पुराने और सबसे फेमस बाजारों में एक है। यहाँ पर आपको सेकेंड हैंड क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, स्पाइस, यहाँ की फेमस ड्राइड फिश जैसी तमाम चीजें खरीदने को मिलेंगी। यहाँ पे हर एज के लोग आराम से आ सकते हैं, और यहाँ पे घूमते घूमते आप अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। यहाँ पे काफी जेब कतरों की वारदातें रिपोर्ट की गई हैं। बड़े बाजार में आने की कोई फीस नहीं है, और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और मॉनसून के अलावा आप इस मार्केट में कभी भी आ सकते हैं। नंबर 2, लेटलम ग्रैंड कैनियन। खासी हिल्स की जो दूसरी जगह है जो आप बिल्कुल मिस नहीं करनी, वो है लेटलम ग्रैंड कैनियन, जिसके नाम का लिटरल मतलब है पहाड़ों का अंत, या फिर इसका दूसरा मतलब है दुनिया का अंत। लेटलम कैनियन खासी हिल्स की वो जगह है जहाँ पे आपकी जितनी दूर नजर जाए वहाँ तक आपको पहाड़ों का कैनियन दिखता है। सी लेवल से तकरीबन 1500 मीटर की हाइट पे है लेटलम ग्रैंड कैनियन। वैसे तो ये कैनियन पूरे दिन खुला होता है, लेकिन यहाँ पे विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग, जब यहाँ पे बादल सबसे कम होते हैं, तभी आपको इस कैनियन का पूरा वाइड एंगल व्यू मिल सकता है। और अगर आप फोटोग्राफी और सेल्फीज के शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। लेटलम ग्रैंड कैनियन आने की कोई फीस नहीं है, और ये जगह घूमने में भी आपको लगेगा तकरीबन 1 घंटा। और नंबर 1, ओमियम लेक। गाइस, अगली जगह है ओमियम लेक, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। ओमियम लेक एक मैनमेड लेक है, जो कि पहले नहीं था, बट यहाँ पे डैम बनने के बाद ये लेक बन चुका है। इस लेक की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं है, बट यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एंड बोटिंग आप लोग कर सकते हैं, जिसके आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। ओमियम लेक से शिलोंग जाते समय अलग अलग जगह यहाँ के व्यू पॉइंट भी है, जैसे कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पूरा ओमियम लेक पूरा दिखता है। लेकिन अगर आपको बोटिंग करनी है तो ओमियम लेक पे कुछ बोटिंग स्पॉट्स बने हैं, वहीं से आप कर सकते हैं। तो अगर आप मेघालय में शिलोंग आ रहे हैं तो ओमियम लेक करना जरूर बनता है। तो खासी हिल्स की सबसे पहली जगह है यहाँ का मेसमराइजिंग ओमियम लेक। ये एक नेचुरल मेड लेक नहीं है, ये ओमियम लेक बनाया गया है एक डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से। ओमियम लेक से ईस्ट खासी हिल्स के सबसे बढ़िया नजारे देखने को मिलते हैं, और यहाँ के पैनानोरमिक व्यू का तो क्या कहने। ओमियम लेक में आप वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और फिशिंग भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस आपको सेपरेटली पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे कायाकिंग के पैसे हैं 20 रुपए पर पर्सन, जेट्स की मिलेगी आपको 200 रुपए में, और वाटर स्कूटर मिलेगा आपको 50 रुपए में। ओमियम लेक की एंट्री फीस है 60 रुपए, और अगर आप यहाँ पे टैक्सी से आते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग भी सेपरेटली देनी पड़ेगी। ओमियम लेक की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और यह जगह घूमने में आपको लग सकते हैं तकरीबन 2 घंटे। गाइस, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर द ओमियम लेक। सामने पूरा ओमियम लेक दिख रहा है, इट्स रियली अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। And I can imagine, मतलब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इस जगह पर जरूर देखने आना, मतलब this is real me। तो ये थी वो सारी चीजें जो अगर आप शिलोंग आ रहे हैं तो आपको करनी बहुत जरूरी हैं। इन सारी जगहों की लोकेशन हमने एक लिस्ट बना के अपने गूगल मैप्स में डाल रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो लिंक क्लिक करके इन सारी जगहों की लोकेशन भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान, और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का सवाल ये है कि इन जगहों के अलावा अगर आपको लगता है कि शिलोंग में और भी कोई जगह है जो हमारी लिस्ट में होनी चाहिए, तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। आपको पता ही है, जो भी एक महीने में सबसे ज्यादा और सबसे सही कमेंट करता है उसे मिलते हैं कपल मूवी टिकट्स या फिर इक्विवेलेंट पेटीएम कैश एब्सोल्युटली फ्री। तो आज ही हमारी मेंबरशिप लें और खेलते रहें हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।